लास्ट वीडियो में आपके फोर्थ जो पैराग्राफ है यहाँ तक कंप्लीट है, जो आपका फोर्थ पैराग्राफ है ये कंप्लीट है कि भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार देता है, ईद का त्यौहार देता है। हमारा फोर्थ चैप्टर है त्यौहारों का देश, भारत देश त्यौहारों का देश है और यहाँ अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके बाद फोर्थ तक कंप्लीट, नेक्स्ट देखो। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। खेल खिलौने, खेल का अर्थ है खेलना, सॉरी खेल, खिलौने, खिलौने का अर्थ है टॉयज, यानी कि खिलौने जो आप जिन खिलौनों से खेलते हो वो क्या है, एक खिलौने। पाते, पाते का अर्थ है मिलते हैं या बच्चों को पाकर, खिलौने पाकर बच्चे। क्रिसमस, क्रिसमस डे आता है ना, कब आता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे आता है, तब संता क्लॉज के द्वारा आपको क्रिसमस के उपहार हैं जो खिलौने दिए जाते हैं वो आपके क्या हैं, उपहार हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, खेल खिलौने जो संता क्लॉज आता है जब आप सेंटा क्लॉज के साथ खेलते हैं कि बच्चे सेंटा क्लॉज के साथ खेलते हैं और क्रिसमस के उपहार उन्हें सेंटा क्लॉज देता है यानी खिलौने देता है। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, जो हमारा भारत देश है वो कौन सा देश है, त्योहारों का देश है और हमको इस भारत देश से क्या है, प्यार है। जो हमारा भारत देश है इसमें अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, प्रतिवर्ष हर महीने 2 या 3 त्यौहार आते रहते हैं, यानी कि हर महीने 1-2 त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके बाद देखो ये कंप्लीट, एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। क्रिसमस में, क्रिसमस के उपहार खेल खिलौने पाते बच्चे, यानी क्रिसमस में संता क्लॉज आता है बच्चों को उपहार देता है, यानी कि खिलौने उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिए जाते हैं और इसे बच्चे पाकर बहुत खुश होते हैं। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है, जो हमारा भारत देश है ये क्या है, त्योहारों का देश है और हमको इस भारत देश से क्या है, प्यार है। ओके, इसके बाद देखो लास्ट, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है। लोकतंत्र, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, लोकतंत्र का क्या अर्थ है, जनता का शासन। लोकतंत्र की झांकी, जो झांकियां निकाली जाती है ना, की झांकी ले 26 जनवरी आती है। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर झंडा मंत्री जी के द्वारा फहराया जाता है और झांकी निकाली जाती है। झांकी का अर्थ ये है कि उस दिन जो हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे जो वीर शहीद हुए हैं उनको क्या देते हैं, सलामी दी जाती है, तो झांकी निकाली जाती है और जो जनता है वहाँ पर बहुत सारे लोग, जनता का शासन, बहुत सारे लोग देखने जाते हैं, जाते हैं। आप भी गए हो कभी, गए हैं कुछ और कुछ नहीं गए हैं, वो टीवी में देखते हो ना, वो ही है। तो उस दिन जो जनता की इतने सारे लोग जाते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो झांकी निकल रही है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। 26 जनवरी के बाद क्या आती है, बसंत पंचमी, क्या आती है, बसंत पंचमी। जो बसंत पंचमी का त्यौहार है तब आता है जब पेड़ों से क्या होते हैं, पत्ते, पतझड़ होते हैं, यानी कि जो सरसों गेहूं इनमें पीले पीले, सॉरी सरसों में फूल आते हैं पीले कलर के, और बसंत पंचमी के दिन पीला पहना जाता है यानी कि पीला वस्त्र धारण किया जाता है। और जो फूलों की खुशबू, यानी कि पेड़ों से पत्ते तो क्या हो जाते हैं, पतझड़ हो जाते हैं, लेकिन फूल खिलते हैं, जो फूल होते हैं वो अपनी उसी जगह, यानी कि
अपनी कली पर ही खिलते हैं और उन फूलों की खुशबू इतनी सुंदर रहती है जिससे झोली झोली का अर्थ है चारों ओर का वातावरण क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है। एक बार वापस देखो, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। बसंत पंचमी पर खिलने वाले फूलों की खुशबू से हमारी जो चारों ओर का वातावरण है वो क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है या सुंदर हो जाता है। होली में डफडोल मंजीरे रंगों की बौछार है। होली में डफडोल मंजीरे, होली होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, फाल्गुन को। कब मनाया जाता है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन देखो डफडोल जो रंगों की बौछार है, ढोल बजाए जाते हैं, डब बजाए जाते हैं और मंजीरे बजाए जाते हैं। और यानी कि अब ना बजाकर जो पिछला टाइम था उसमें डफडोल मजाए जाते थे, जितने भी जहाँ लोग बाग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर ये डफडोल मंजीरे बजाकर एक दूसरे को रंग लगाते थे और रंगों की बौछार करते थे। तो होली के त्यौहार, बसंत पंचमी के बाद कौन सा त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है। और इस दिन डफडोल मंजीरे बजाए जाते हैं और रंगों की बौछार की जाती है। त्यौहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा भारत देश है वो कौन सा देश है, त्यौहारों का देश है। यहाँ अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं और इसी कारण हमको हमारा जो भारत देश है इससे क्या है, प्यार है। अब देखो आप इधर देखो, ये जितने भी बच्चे हैं चित्र में दिख रहे हैं, ये एक दूसरे का कलर लगा रहे हैं, ना रंगों की बौछार कर रहे हैं, पिचकारियों से रंगों की बौछार कर रहे हैं और चारों ओर का वातावरण कितना अच्छा है। इससे ऊपर दिया गया ना कि ये होली का दहन हो रहा है, ये देखो होली का दहन हो रहा है। देखो ये किसका दहन हो रहा है, होली का दहन, यानी कि होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। होली के दिन होली का दहन किया जाता है। इसके बाद देखो ये रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को, रंगों की बौछार कर रहे हैं। इसी कारण हमारा देश कौन सा देश है, भारत त्यौहारों का देश है। एक बार इसका वापस, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, जनता का शासन। जो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन, यानी कि जनता के शासन द्वारा 26 जनवरी को जनता के द्वारा जो लोग इकट्ठे होते हैं 26 जनवरी के दिन, वो उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई झांकी निकल रही है। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। बसंत पंचमी के दिन फूलों की खुशबू से चारों ओर का वातावरण क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो सारी खुशबू है, फूलों की सुगंध है वो हमारी झोली में क्या है, भर गई हो। होली में डफडोल मंजीरे रंगों की बौछार है। इसके बाद बसंत पंचमी के बाद होली का त्यौहार आता है और त्यौहार में ढोल मंजीरे बजाए जाते हैं और रंगों की बौछार की जाती है। त्यौहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। जो हमारा भारत देश है ये क्या है, त्यौहारों का देश है और हमको इस भारत देश से क्या है, प्यार है। एक बार देखो वापिस नेक्स्ट, ये देखो खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार। ये दिख रहा है आपको सेंटा क्लॉज दिख रहा है ना, ये देखो बच्चे इनके साथ खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चों को क्या देगा, उपहार देगा। देखो ये देखो बच्चों के इनके साथ खेल रहे हैं और ये बच्चों को क्या देगा, उपहार देगा, यानी कि गिफ्ट देगा। इसका देखो, क्रिसमस के दिन बच्चे सेंटा क्लॉज से खिलौने उपहार के रूप में प्राप्त करते हैं। इसी कारण भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्रिसमस के उपहार, यानी कि क्रिसमस के दिन बच्चे सेंटा क्लॉज से उपहार प्राप्त करते हैं और उनके साथ खेलते हैं। इसी कारण भारत देश को त्योहारों का देश कहा जाता है और हमको इस देश से क्या है, प्यार है। आपका ये चैप्टर